जीएसटी कानून का विरोध शुरू। कपड़ा व्यापारियों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। 3 दिन रहेगी कपड़ों की दुकानें बंद। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई जीएसटी योजना का विरोध बढ़ना शुरू हो गया है। मार्बल व्यवसायियों के बाद अब कपड़ा व्यापारियों ने भी सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अजमेर वस्त्र व्यापारिक संघ की ओर से मंगलवार को विशाल रैली निकालकर जीएसटी का विरोध जताया गया। व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में 3 दिन तक बाजार बंद रखने की चेतावनी दी है। नया बाजार से शुरू हुई इस रैली में शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां वस्त्र व्यापारियों ने सरकार की नीति का विरोध करते हुए अपने रोष का इजहार किया। व्यापारियों ने आजादी के बाद पहली बार कपड़ों पर लगे कर का कड़ा विरोध करते हुए सरकार को बड़े आंदोलन के लिए चेताया है। पूरे अजमेर जिले के कपड़ा व्यवसायियों ने बंद की घोषणा की है। ये बंद 27, 28, 29 3 दिन रहेगा। इससे पूरे अजमेर का पूरा कपड़ा व्यापार प्रभावित रहेगा और सरकार ने जो इस पर टैक्स लगाया है वो टैक्स बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। व्यापारी कपड़ा खोल खोल के बार बार समेटेगा, ये एक अकाउंटेंट अलग से रखेगा, एक कंप्यूटर रखेगा, उसको ऑपरेट कराएगा, किस किस को वो मेंटेन करेगा, ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। इस हिसाब से अगर राजस्थान में कपड़े पे कभी भी टैक्स नहीं लगाया गया है, आज पहली बार कपड़े पे टैक्स लगाया है, ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। व्यापारियों पे टैक्स लगाना, कपड़े के व्यापार पे टैक्स लगाना, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कपड़ा एक कृषि के बाद दूसरे नंबर का रोजगार देने वाली एक योजना है। सबसे ज़्यादा कृषि पे लोग हैं, इसके बाद कपड़े का ही व्यापार करते हैं। इस पर टैक्स लगाना व्यापार में गतिरोध करना है, बेरोजगारी बढ़ाना है। इससे हमारी मांग है कपड़े पे टैक्स हटाया जाए, व्यापारी को निजात दिलाया जाए, व्यापारी को अपने स्वरोजगार की योजना जो स्किल इंडिया मोदी जी का नारा है उसे आगे प्रभावित रखा जाए। तो इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? आज कम से कम 2500 दुकानें हैं, करीब 4 से 5 करोड़ का व्यापार का प्रभाव पड़ेगा। रैली कहाँ से कहाँ निकल रही है? ये रैली हमारी नया बाजार गोल पे से शुरू होकर पुरानी मंडी मजार के कलेक्टर क्लॉक टावर कचहरी रोड होते हुए अपने कलेक्टर पहुंची है और माननीय अतिरिक्त कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन पेश किया है। काली पट्टी भी बांध, काली पट्टी बांध के विरोध स्वरूप हमने विरोध किया। आपका नाम? अरविंद जैन, कपड़ा एसोसिएशन महामंत्री।